क्लास में बेटा आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं का लेखा शास्त्र पढ़ रहे हैं बेटा अपन। उसके थोड़े से अति आवश्यक जो प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टि से आज अपन उसको पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे बेटा। तो आप देखोगे पार्ट एक के प्रश्न होता है ये, लेखा कर्म की दो प्रमुख प्रणालियों का वर्णन करो। तो जो लेखा कर्म है उसकी दो प्रणालियां है बेटा, भर्ती वही खाता प्रणाली और दूसरा है अंग्रेजी वही खाता प्रणाली। तो भारतीय वही खाता प्रणाली कैसी है? प्राचीन प्रणाली है। यहाँ पर महाजनी पद्धति, इसको महाजनी पद्धति भी कहते हैं। और ये वही खाता प्रणाली में हिंदी, गुजराती, मराठी, सिंधी, उड़िया आदि भाषाओं में भी क्या किया जाता है, इसे लिखा जाता है। ये छोटे या बड़े व्यापारी सफलतापूर्वक व इस प्रणाली का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गई अपनी भारतीय प्रणाली, फिर अंग्रेजी वही खाता प्रणाली। इसके अंतर्गत तीन प्रणालियां होती हैं बेटा, इसके अंतर्गत तीन प्रणाली होती है। पहला होती है दोहरा लेखा प्रणाली, दूसरा है रोकड़ प्रणाली और तीसरा है इकहरा लेखा प्रणाली। तो दोहरा लेखा प्रणाली में इसके अनुसार प्रत्येक सौदे को दो पक्षों में लिखा जाता है, पहला पक्ष तथा दूसरा पक्ष। जमा पक्ष में लेखा किया जाता है, मतलब जमा वाला पक्ष होता है उसमें लेखा किया जाता है। यह विधि वैज्ञानिक और लेखा करने की कैसी विधि है? सर्वोत्तम विधि है। और इसे बड़े व्यापारियों के लिए यह प्रणाली कैसी होती है? उपयुक्त होती है। फिर होता है दूसरा है बेटा रोकड़ प्रणाली। तो इस प्रणाली में केवल नगद व्यवहार, रोकड़ से मतलब होता है बेटा रोकड़ मतलब पैसे से संबंधित हो गया ये। तो ये नगद व्यवहारों पर इसमें लेखा किया जाता है। इस प्रणाली में रोकड़ वही मुख्य पुस्तक होती है, से नगद प्राप्तियां इसमें अपन लिखेंगे, नगद प्राप्तियां, नगद भुगतान का लेखा होता है। और वर्ष के अंत में जो प्राप्ति भुगतान खाता या आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा भी इसमें बनाया जाता है। जो रोकड़ प्रणाली होती है उसमें नगद व्यवहारों का अध्ययन होता है। फिर यह प्रणाली सामाजिक कार्य करने वाली संस्थाओं बनाया करती है, जैसे महाविद्यालय हो गए, अस्पताल, पुस्तकालय, क्लब और अनाथालय आदि। उसके बाद में बेटा इकहरा लेखा प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत सौदे का लेखा एक पक्ष में क्या किया जाता है यह अपूर्ण लेखा प्रणाली भी से कहती है। मतलब जो इकहरा लेखा प्रणाली है उसको अपूर्ण प्रणाली भी कहते हैं। यह प्रणाली कैसी होती है? छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त होती है। तो आपने परीक्षा की दृष्टि से बेटा एक प्रश्न है, मान लीजिए ये दो या तीन नंबर का प्रश्न हो गया बेटा, लेखा कर्म की प्रमुख प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो इसके अंतर्गत आ गया भारतीय प्रणाली और अंग्रेजी प्रणाली। फिर बेटा निम्नलिखित में से सापेक्ष में समझाइए। तो उसमें आपको सापेक्ष में वर्णन करने के लिए है, पूंजी हो गया, संपत्ति है, व्यापार है, कार्यशील कार्यशील। तो जो पूंजी है वह काय के लिए है? व्यापारी द्वारा व्यापार में धन कमाने के उद्देश्य से लगाया गया नगद धन। तो आपको इसको सापेक्ष में इसमें आपको टिप्पणी लिखनी है ना बेटा। तो इसमें जो व्यापारी द्वारा व्यापार में धन कमाने के लिए लगाया गया नगद धन, माल या संपत्ति को क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। व्यापार में साधन जुटाने का मुख्य साधन क्या है? पूंजी होती है। और व्यापार के लिए पूंजी दायित्व होती है। और व्यापार में लाभ हानि होने पर, पूंजी में वृद्धि हानि होने पर पूंजी में कमी होती है। मतलब अगर आपको व्यापार में लाभ हो रहा है तो पूंजी में क्या होगी? वृद्धि और हानि हो रही है तो पूंजी में कमी। उसके बाद है संपत्ति। व्यापार एक ऐसी वस्तु है जो व्यापार संचालन का सहयोग करती है, जिस पर व्यापार का स्वामित्व होता है, व्यापार की संपत्ति कही जाती है। तो संपत्ति का वर्णन भी निम्न प्रकार से है, उसमें आया स्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति और मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति। फिर तीसरा है इसके बाद व्यापार, लाभ कमाने के उद्देश्य से धन, मतलब लाभ कमाने के लिए अपन जो धन लगाते हैं।
लगाकर किसी कार्य को लाभ प्राप्त करना व्यापार होता है। व्यापार में वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय जो लाभ कमाने के लिए किया जाता है उसे व्यापार कहते हैं। तो व्यापार में वस्तु होती है और सेवाओं का क्रय विक्रय जो लाभ कमाने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। फिर है कार्यशील पूंजी, चालू संपत्ति का चालू दायित्व पर, चालू संपत्ति होती है उनका चालू दायित्व होते हैं, उनके आधिक्य को कार्यशील पूंजी कहलाती है। व्यापार में दिन प्रतिदिन कार्यों को पूरा करने हेतु व्यापार की पूंजी को कार्यशील पूंजी कहते हैं। जो कार्यशील पूंजी है वो चालू संपत्ति चालू दायित्व पर जो आधिक्य की कार्यशील पूंजी कहलाती है। तो ये आपके छोटे छोटे टिप्पणियां हो गई बेटा, पूंजी पर हो गई, संपत्ति पे हो गई, व्यापार पे हो गई। तो ये परीक्षा की दृष्टि से आपको प्रश्नों के उत्तर बताए जा रहे हैं बेटा। फिर उसके बाद है कि लेखांकन क्या है और उसकी सीमाएं क्या होती है। मानवीय आवश्यकताओं में व्यवसाय, मानवीय आवश्यकताओं में जो व्यवसाय व्यापार व्यापार उद्योगों पर निरंतर विकास करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर किया जाता है, जिसमें उत्तरोत्तर विकास में अनेक वित्तीय और जो पेचीदगियों का जन्म दिया जाता है, मतलब जो वित्तीय व्यवस्थाएं होती हैं उसके परिणाम के स्वरूप लेखांकन की निम्नलिखित सीमाएं क्या की गई है परिलक्षित होने लगी है। तो सबसे पहला है लेखांकन से व्यवसाय की महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करना संभव नहीं है। लेखांकन है उसे व्यवसाय की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करना संभव नहीं है। लेखांकन केवल उन्हीं व्यवहारों पर किया जाता है जो मौद्रिक स्वरूप होता है। व्यवसाय में कुछ ऐसी घटनाएं एवं समस्याएं हो जाती हैं जिसका कोई मौद्रिक स्वरूप ना हो, किंतु व्यवसाय में एक आवश्यक सूचना के रूप में इसका क्या किया जाए प्रयोग योग्य हो। जैसे कच्चे माल से प्राप्त उपस्थित होने वाली कठिनाइयाँ, कर्मचारी और व्यवसाय के हित में व्यक्तियों की कर्तव्य प्रणायता आदि। फिर है लेखांकन विवरण पूर्ण एवं शुद्ध नहीं होते। जो लेखांकन विवरण होते हैं, लेखांकन विवरण दूसरा शुद्ध एवं पूर्ण एवं शुद्ध नहीं होते। लेखांकन द्वारा जो व्यवसाय में लेखांकन किया जाता है उनके द्वारा व्यवसाय में आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से कैसी नहीं होती, सत्य नहीं होती। लेखांकन विवरण असत्य व बनावटी व्यवहारों को सरलता से हिसाब की पुस्तकों में क्या किया जा सकता है दर्ज किया जा सकता है। व्यवहारों को ना लिखकर इस प्रकार की व्यवस्था लेखांकन में संभव नहीं है। तो ये लेखांकन की सीमाएं थी। पहला, लेखांकन के व्यवसाय एवं संपूर्ण सूचना प्राप्त करना संभव नहीं होता, और दूसरा है लेखांकन पूर्ण एवं शुद्ध नहीं होते। उसके बाद है मूल्यहीन संपत्तियों को दर्शाना। तो आर्थिक चिट्ठे कोई भी कोई ऐसी संपत्ति को दर्शाया जाता है जिसमें वास्तविक मूल्य नहीं होता और अंश और ऋण पत्रों में छूट और प्रारंभिक व्यय आदि। इसमें अंकों की हेरा फेरी भी, अंकों में हेरा फेरी करना स्वामी द्वारा अपने लाभ को सिद्ध करने के लिए, इसमें प्रबंधकों ने लेखांकन को प्रभावित करने में कहा जा सकता है कि लाभों को कम दिखाना और करों को कम भुगतान किया जाना और कर्मचारियों की वेतन वृद्धि को ठुकराया जा सके। फिर है गुप्त संचयों का निर्माण। लेखांकन के द्वारा संपत्तियों को कम करना मूल्य दायित्वों के वृद्धि गुप्त संचय का क्या करती है निर्माण किया जाता है। प्रबंधक गलत तरीके से अपने हित की पूर्ति के लिए गुप्त संचय का क्या करते हैं निर्माण करते हैं। तो ये आपने क्या देखा क्या लेखांकन की सीमाएं, आपने क्या देखा है लेखांकन की, लेखांकन क्या है और उसकी सीमाएं क्या है। उसकी 5 सीमाएं है, लेखांकन एवं व्यवसाय लेखांकन विवरण शुद्ध नहीं होता, उसके बाद मूल्यहीन संपत्तियों को दर्शाना, अंकों में हेरा फेरी करना,
अब उसके बाद बेटा लेखांकन सूचना की गुणात्मक विशेषताओं को समझाइए। तो जो लेखांकन सूचना जो सूचना होती है उसकी गुणात्मक विशेषताएं निम्नलिखित है। तो पहला हो गया विश्वसनीयता। तो लेखांकन सूचना का विश्वसनीय होना आवश्यक है, सूचनाओं को प्रमाणित माना जा सकता है। सूचना व्यवसाय के प्रयोग में किए गए विभिन्न प्रारूपों पर क्या होती है, आधारित होती है, जिसमें कैश मेमो, क्रय विक्रय, बीजक, अनुबंध पत्र और पत्र व्यवहार आदि आते हैं। फिर दूसरा होता है अनुरूपता। अनुरूपता सूचना से तात्पर्य होता है, जब जो अनुरूप सूचनाओं से तात्पर्य है ऐसी सूचनाओं से जो व्यवसाय में सभी पक्षकारों को भिन्न भिन्न निर्णय लेने में क्या करती है, सहायता करती है। और लेखांकन सूचनाओं की स्थिति को अनुरूप होना आवश्यक है। सूचनाएं अनुरूप होती है तो यदि लेखपालकों को इन्हें एकत्रित करते समय सभी पक्षकारों की आवश्यकताओं को क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखा है। तो लेखांकन कैसे होने चाहिए, उनकी विशेषताओं में अनुरूपता होनी चाहिए। फिर तीसरा है समय में आने योग्य। लेखांकन सूचना जो होती है वह प्रस्तुतिकरण इतना सरल व तर्क संगत होना चाहिए कि व्यवसाय के हित में कोई भी व्यक्ति उसे सरलतापूर्वक समझ सके। तब जो लेखांकन है उनको समझना समझने में आने योग्य होने चाहिए। जितने मतलब प्रस्तुतिकरण करना इतना सरल होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए कि इसकी व्यवसाय में हित में व्यक्ति को सरलता से स्वीकार व्यक्ति इसको सरलता से समझ सके। फिर तुलनात्मक वित्तीय विवरण जो होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए, तुलनात्मक इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चालू वर्ष में संपत्ति लेखा सूचना जो चालू वर्ष होता है उससे संबंधित लेखा लेखांकन सूचनाएं होती है, तो गत वर्ष की सूचनाओं में तुलनात्मक रूप में क्या किया जा सके, प्रस्तुत किया जाना उपयुक्त होगा। आंकड़ों में तुलनात्मक ढंग से प्रस्तुत किए जाने के लिए व्यवसाय को भावी योजनाओं में तैयार करके आसानी से होती है और व्यवसाय में कमियों का पता लगाकर इसे आवश्यक सुधार भी किया जा सकता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बेटा 4 नंबर का प्रश्न है आपका। 4 नंबर के प्रश्न में इसको पूछा जा सकता है। लेखांकन सूचना की गुणात्मक विशेषताएं लिखिए। तो उसकी सूचनाओं के अंदर पहला हो गया विश्वसनीयता, दूसरा है अनुरूपता और तीसरा समझ में आने योग्य और चौथा है तुलनात्मक। तो ये गुणात्मक विशेषताएं हो गई लेखांकन की। बच्चों परीक्षा की दृष्टि से आपको मैंने छोटे छोटे प्रश्नों को बताया, आप इसे कॉपी में लिखें, याद करें और परीक्षा की तैयारी करें। धन्यवाद।